حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأغرار الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم العطشان غريب بكربلاء صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الجنة ورحمة الله وبركاته اللهم صل على کنیزان امام عصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خداوند اعلی قرآن کریم میں سورہ زمر کی 69ویں آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی لائق ہم کو ستائش ہے وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور اپنی نور عظمت سے ان منتخب افراد کو خلق فرمایا جو تمام عالمین کے لیے تو بھیجے گئے لیکن شرف اس دنیا والوں کو بخشا یعنی جسے ہم پلانٹ ارتھ کہتے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں اتنے پلانٹس ہیں
ये दुनिया सिर्फ ये हमारी दुनिया नहीं है बल्कि आलम पे आलम मौजूद हैं। 36,000 आलम बताए जाते हैं इस दुनिया के अंदर इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जिल। लेकिन खुदावंद आलम ने हम पे बड़ा करम किया कि अपने उन अनवार को हमारे दरमियान मबूस फरमाया। ये इस दुनिया वालों का शरफ रहा कि उनके दरमियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का नूर खुदावंद आलम ने यहाँ भेजा, ना कि दूसरे आलमीन में भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम अपने इस ही आखिरी नूर के सिलसिले में फरमा रहा है और ये दुनिया ये ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा जाएगी। और ये वक्त वो होगा जिसके लिए खुदावंद आलम ने हमसे वादा किया है, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ। वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम अदियान पर वाज़ गलबा और कामरानी अता फरमा सके, गरचे मुशरिकीन को नागवार ही क्यों ना हो। यानी ये वादा जब पूरा होगा तब अल्लाह का नूर इस ज़मीन को भर देगा, उसको अदल व इंसाफ से पुर कर देगा जैसे ये ज़ुल्म व जौर से पुर होगी। खुदावंद आलम से दुआगो हैं कि अपनी इस आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं ताकि वो आकर अल्लाह के किए हुए वादे को पूरा कर सकें और अपने ख़ास मकसद यानी अपने जद और जद्दाह के नाहक बहाए गए खून का इंतकाम ले सकें। इस गैबत के दौर में खुदावंद आलम हम सब को हिदायत की राह पर गामजन रखे, हम सब को हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को इमाम की मोहब्बत में माफ़ फरमाए और हमारे नाफिस और मायूब आमाल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमाए। जो भी बीमार हैं, जो भी मरीज़ हैं, सैयद साजदीन का वास्ता परवरदिगार उन्हें शिफाए कामला और आजला इनायत फरमा। इस कोविड की वबा को हमारे दरमियान से दफ़ा करके परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात को खुसूसन चैन और राहत और सुकून की सांस लेना नसीब फरमा। हम पर जो हज और ज़ियारात मासूमीन के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं, परवरदिगार इस वबा को हमारे दरमियान से दफ़ा फरमा के हम पर वो तमाम बंद रास्तों को खोल दे ताकि हम दोबारा सैयद शहदा की जियारत को जा सकें। अज़ादारान मोहतरम, आप लोग इस सलावत पढ़ दें मोहम्मद मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त है कि अगर बाहर वाले यहाँ किसी खास शख्स से मुखातिब हो रहे हैं तो सिर्फ वही शख्सों से मुखातिब हो और सबके सब बाहर तवज्जो ना दें और मजलिस का एहतराम बनाए रखें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद और इमाम अस्र के सिलसिले में चंद एतराज़ात पेश किए जाते हैं। एतराज़ात में तीन सवाल खड़े किए जाते हैं जिसके जवाब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनका जानना और उसे अपने अंदर तहम्मुल करना बहुत ज़रूरी है। जब इमाम अस्र की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि एक 5 साल का बच्चा मनसबे इमामत पर बनने की सलाहियत रखता है, लियाकत रखता है, उसमें इतनी कुव्वत है कि वो उस मनसब इमामत को संभाल सके जो कि अल्लाह ताला का दिया हुआ अदा करदा मनसब है। क्या एक 5 साल के बच्चे में इतनी सलाहियत है? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इमाम अगर जिंदा है और जैसा हम इस अकीदे पर साबित कदम हैं कि इमाम का वजूद अकदस मौजूद है इस दुनिया में, वो पैदा हो चुके हैं, इमाम को 1186 साल से ज़्यादा आए हुए दुनिया में हो चुके, तो अगर इमाम ज़िंदा है तो कोई इतनी तूलानी तवील ज़िंदगी कैसे जो है जी सकता है, जबकि हमारे दरमियान में ऐसी मिसालें उमूमन नहीं पाई जाती हैं। तीसरा सवाल कि अगर इमाम है तो कहाँ है, गैबत में क्यों है,
किस वजह से गैबत में है, गैबत क्यों इख्तियार किए हुए, इमाम नज़र क्यों नहीं आते। अगर इंसान इन तीन सवालात का जवाब देने में कामयाब हो जाएगा तो अब खुद देखेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने इमाम के और करीब हो जाएगा, इमाम से राबता उसका और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पहला सवाल अज़ादाराने मोहतरम ये कि एक बच्चा सलाहियत रखता है 5 साल का बच्चा कि वो मनसब इमामत पर पहुंच सके और उस मकाम को संभाल सके और बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सके। तो अजीजो अगर गुज़िश्ता में यानी कि माजी में अगर ऐसी कोई चीज़ शख्स ने ना देखी हो, इंसान ने ना देखी हो कि कोई मनसब इमामत पर आया, कोई ऐसे अल्लाह के अता करदा मनसब में मनसब से आया और उसने उस मनसब को संभाला हो तो इस सवाल के इम्कान बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर गुज़िश्ता में कोई चीज़ हो चुकी हो तो ये साबित हो जाता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ इम्कान में से है, और अगर कोई दूसरा भी उस मनसब पर पहुँच जाता तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप हमारे इमामों की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो आप देखते हैं कि पहले जितने इमाम थे वो सब उस उम्र में आकर मनसब इमामत को संभाल रहे हैं जहाँ कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का है। यानी कि इंसान की अक्ल इस बात को कबूल करती है कि हाँ 35 साल का शख्स इतना जवान और इतनी सलाहियत रखता है कि इस मनसब को संभाल सके, एक 40 साल का शख्स सलाहियत रखता है कि इस मनसब को संभाल सके। लेकिन खुदावंद आलम की मसलहत क्या खूब है कि अगर आप बाद के इमामों को देखती हैं तो सबसे पहले हमें जो है मोहम्मद जवाद अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं कि वो 7 साल के भी नहीं हुए लेकिन खुदावंद आलम ने उन्हें मनसब इमामत उनके हवाले कर दिया। जब जवाब देना हो तो जवाबात तो बहुत सारे हैं, इंसान ये भी जवाब दे सकता है कि खुदावंद आलम ने तो हजरत ईसा को जब वो गहवारे में थे उस वक्त उन्हें नबूवत अता फरमा दी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इमाम मोहम्मद जवाद एक इमाम जो कि 7 साल की कमसनी है लेकिन मनसबे इमामत को संभाला है और उसके बाद उन्हीं के फर्जंद 8 साल की उम्र में मनसबे इमामत को संभाल रहे हैं। हमारे सामने अगर कोई बहस छिड़ जाए कि एक पिलर हो हमारे सामने, एक खंबा हो और उसके लिए जो है कुछ अफराद के दरमियानी बहस छिड़ गए, कोई सुतून को उठा सकता है, कोई अकेला जो इस सुतून को उठा सकता है? जैसे दरे खैबर का वाक्य आपके सामने नुमाया है कि दरे खैबर को कोई नहीं उठा सकता था लेकिन मौलाए कायनात ने उसे एक उंगली पर उखाड़ कर और उसे उठाकर बताया कि ये इम्कानात में से है, ये चीज़ पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स कहे कि ये सुतून उठाया जा सकता है और उसी वक्त वहाँ कोई एक फर्द खड़े होकर उस सुतून को उनके सामने उठा दे तो अब क्या इस सवाल का वजूद बाकी रह जाएगा? जवाब तो मिल चुका, जवाब तो सामने है कि हाँ इस सुतून को उठाया जा सकता है, आपके सामने ये वाकई हो चुका है। जब इस तरह से वाकई हो चुका है तो इसी तरह से हम देखते हैं कि नवे इमाम के लिए खुदावंद आलम ने उन्हें 7 साल की कमसनी थी लेकिन उस वक्त में उन्हें मनसब इमामत पर पहुंचाया और जब मनसब इमामत पर पहुंचाया तो आपके सामने वो तमाम मुनाजरे उनके जो है आया हैं जो मामून रशीद ने उनके दीगर ममालिक के एक्सपर्ट से जो महारत रखते थे अलग अलग उलूम में, मुख्तलिफ उलूम में महारत रखने वाले थे उनके साथ मुनाजरे करवाए। 3 रोज मुनाजरे चलते रहे, 10,000 सवाल इमाम के खिदमत में पेश किए गए और 10,000 सवाल का इमाम ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया है जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर सवाल है वो उस वक्त मामून रशीद का जो काजी उल खुजात था यहिया इब्ने अक्सम जो उसने सवाल किया था कि हज के दौरान अगर अहराम की हालत में कोई शिकार करता है तो इमाम ने उसको पलट कर जो जवाब दिया है और उसको जो 11 पहलू और मिलाकर अगर जोड़े देखे जाए तो 22 पहलू जो उसके सामने रखे हैं कि इस हालत में उसने शिकार किया था, परिंदे का शिकार किया था, चौपाए का शिकार किया था, उसने जो है जानबूझकर शिकार किया था या फिर सहबन उसका शिकार किया था, इतने पहलू उसके सामने रखे कि यहिया इब्ने अक्सम हक्का बक्का रह गया और उसके बाद इमाम ने खुद उसके सवालों का जवाब दिया। लेकिन मैं यहाँ पर उन सवालों को आपके सामने पेश नहीं करना चाहती हूँ लेकिन एक सवाल जो यहिया इब्ने अक्सम ने इस सवाल का जवाब जानने के बाद इमाम से किया था वो सवाल ये था, ऐ फरजंदे रसूल मैंने ये हदीस सुनी है कि आपके जद हसन व हुसैन तमाम जवानाने जन्नत के सरदार हैं और मैंने ये हदीस भी सुनी है कि फुला फुला बूढ़ों के सरदार हैं जन्नत, क्या आपकी नज़र से ये हदीस गुजरी है?
इमाम फरमाते हैं कि ए यहया, जन्नत महल्ले कमाल है। जन्नत वो जगह है जहाँ पर नक्स का, ऐब का कोई इम्कान नहीं है, जहाँ पर सिर्फ कमाल ही कमाल है, जो अपने परफेक्शन पर है। और खुदा वंदे आलम ने बुढ़ापे को कुरान करीम में नक्स शुमार किया है कि ये एक नक्स है। इंसान कमज़ोर हो जाता है, इंसान की क़ुव्वत जो है वो ज़ाय होने लगती है, इसलिए ये एक कमज़ोरी है। जब जन्नत में कमज़ोरी का कोई इम्कान नहीं तो फिर जन्नत में बूढ़े कहाँ से दाखिल हो सकते हैं और बूढ़ा का सरदार कहाँ से आ सकता है। एक सलावत भेजते हैं का खुदा है, वही बारहवें का भी खुदा है। जिसने मोहम्मद तकी को ये इल्म इनायत फरमाया है, उसी ने बारहवें को भी ये इल्म इनायत फरमाया है कि वो सलाहियत रखता है कि 5 साल की उम्र में भी मनसब इमामत पर फायज हो जाए। दूसरा सवाल जो पेश किया जाता है कि इमाम की इतनी तवील जिंदगी कैसे। तो आजादारान मोहतरा, जवाब अक्सर आप ये सुनते होंगे कि शैतान कब से जिंदा है। तो देखिए, शैतान में और बशर में जो है वो एक जिन्स के नहीं है। शैतान जिन्नात में से है और हमें नहीं मालूम कि जिन्नात की उम्रें कितनी हुआ करती हैं, काफ़ी तुलानी उम्रें हुआ करती हैं। जाफर जिन कब से ज़िंदा थे, इमाम हुसैन के बाद भी ज़िंदा रहे, कई 100 साल जो है उनकी ज़िंदगी रही। तो बशरियत में और जिन्नात में कोई कंपेरिज़न नहीं किया जा सकता, मुवाज़ना नहीं है उनका। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि आप जब नजफ़ से करबला, खुदावंद आलम हम सब को दोबारा से अरबईन पर इसी तरह से पैदल चलकर जाना नसीब फरमाए, इन तमाम रास्तों को खोल दे ताकि दोबारा से हमें भी इजाज़त मिल सके कि हम सैयद शहदा के रोज़े पर अपने पैरों पर चलते हुए पहुँचें। जो लोग नजफ़ से करबला पैदल चल के जा चुके हैं, खुदावंद आलम उनको दोबारा जाना नसीब फरमाए, जो नहीं गए हैं उनको खुदावंद आलम तौफीक इनायत फरमाए। तो जब नजफ़ से करबला जाते हैं तो अगर आज तक नहीं देखा तो 7 किलोमीटर जब तय हो जाता है नजफ़ से, बाएं हाथ पर एक सियाह रंग का पहाड़ नज़र आता है, एक सियाह रंग पहाड़ नज़र आता है। अगर आप वहाँ के लोगों से उसके बारे में सवाल करेंगे तो वो बताएंगे इसे तिल्ले नमरूदिया कहा जाता है। नमरूद से आप सब बावाकिफ़ हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह था और खुदाई का दावा किया करता था। और बाकायदा उसके बहस को कुरान करीम में खुदावंद आलम ने दर्ज फरमाया। जब ये नमरूद हज़रत इब्राहीम के मंतक के सामने बेबस हो गया, और मंतर के सामने बेबस कब हो गया था, जब नमरूद जो है एक मरतबा हज़रत इब्राहिम उसे दावत देने आए थे तौहीद की जानब, तो उसने कहा था कि खुदा तो मैं हूँ। तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम ने क्या दलील दी थी, हज़रत इब्राहिम ने अपनी तरफ से ये हुज्जत पेश की कि मेरा खुदा वो है जो कि सूरज को मशरक़ से तुलू करता है और मगरब में गुरूब करवाता है, बस तो सूरज को मगरब से तुलू करवा के दिखा दे और उस मगरब में जो है मगरब में तुलू करके लिखवा दे और मशरक में उसे गुरूब करवा दे। तो वो हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई दलील ना रही कि अपने खुदाई की दलील पेश कर सके। तो जब हज़रत इब्राहिम की मंतक के सामने बेबस हो गया तो एक मरतबा उसने मंसूबा बनाना शुरू किया। क्या मंसूबा बनाया, उससे भी आप सब बवाफ़ हैं। एक मरतबा जंगलों पर जंगल कटने लगे, झाड़ियाँ लकड़ियाँ इकट्ठा की जाने लगी, और इतने टन लकड़ियाँ इकट्ठा की गई और उनको आग लगा दी गई। आग लगा दी गई, कितने जंगल इन पहाड़ों पर से काटे गए, कितनी लकड़ियाँ जो है जलाई गई कि आज तक, इसीलिए मैंने आपके सामने इसका तज़किरा किया, आज तक वो पहाड़
इतनी सदियां गुजर गईं, आज तक उसी तरह से वो सियाह है, जैसे जल के खाक हो गया था उसी तरह से वो पहाड़ सियाह नजर आता है। कितनी बारिशें हुई इन सदियों में, लेकिन वहां पर कोई सब्जा, कोई पैदावार जो है दोबारा से उग नहीं पाई। इस तरह से उसने आग लगाई। अब ये आग इतनी शिद्दत की आग थी कि मीलों तक जो है परिंदे नजर नहीं आते थे। तपिश इतनी थी, धुआं इतना ज्यादा था कि कई मीलों तक जो है परिंदे जो है परवास करते हुए नजर नहीं आते। तो आग तो लगा दी कि हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जाए, लेकिन अब फेंके कैसे? फेंकने की बारी आई तो कोई आग के करीब तो जा नहीं सकता, फेंके कैसे? तो मंसूबा ये बनाया गया कि हजरत इब्राहिम को जो है रस्सियों में बांध दिया जाए, और उसके बाद जो मिंजनीक होती है, जिसे आप कैटापुल्ट कहते हैं, मिंजनीक से जो है उसके जरिए से हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जाए। मशवरा देने वाला भी इब्लीस था, जो कि इंसानी शक्ल में आया था। तो मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को फेंका जाए। यहाँ पर हजरत इब्राहिम को आग में फेंके जाने का मंसूबा बनाया गया और उनको जो है आग के अंदर फेंका जा रहा था। उस वक्त जब हजरत इब्राहिम को मंजनीक में क्या करते हैं, उसे जो है चक्कर पे चक्कर दिए जाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, आप कभी जायंट व्हील और ये सब मेरी गो राउंड वगैरह में चढ़े होंगे, तो आपको महसूस होता है जैसे ही आप ऊपर जाते हैं और फिर नीचे की तरफ वापस आते हैं तो आपको मतली होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। इसलिए कि ब्रेन जो है हमारा, दिमागी तवाजुन सही नहीं रह जाता, ब्रेन डिसओरिएंट हो जाता है उस वक्त में, क्योंकि ज़मीन तो जो है ऐसे नज़र आ रही होती है जैसे वो बिल्कुल फ्लैट हो, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो चक्कर खा रहा होता है, तो डिसओरिएंट हो जाता है, तो आपको चक्कर आने लगते हैं। हजरत इब्राहिम को उस मंजनीक में जो है चक्कर पे चक्कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि फोर्स डालना है ना, इतने दूर उनको फेंकना है उस आग के अंदर, तो जितना ज़्यादा उनको लपेटा जाएगा, जितना ज़्यादा घुमाया जाएगा, उतनी आसानी से वो आग में फेंके जाएंगे। यहाँ पर हजरत इब्राहिम को चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, वहाँ से तमाम फरिश्ते परेशान हो गए। ए परवरदिगार, एक ही तो तेरा बंदा था इस ज़मीन पर, इस मुल्क में, जो तेरी परस्तिश किया करता था, तेरी इबादत किया करता था, अब वो भी हलाक किया जा रहा है। यहाँ फरिश्ते परेशान हैं, वहाँ हज़रत जबराइल को इजाज़त मिली कि हज़रत इब्राहिम के खिदमत में आएँ। हज़रत इब्राहिम हज़रत जबराइल हज़रत इब्राहिम की खिदमत में आते हैं, एक मरतबा सवाल करते हैं, ए नबी इब्राहिम, क्या आपको मदद चाहिए? हज़रत इब्राहिम कहते हैं कि हाँ जबराइल, मदद तो चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं, जिससे चाहिए वो जानता है, वो बाखबर है। यहाँ पर मैं रोक के एक फिक्रा करूँ कि हज़रत इब्राहिम जो के एक नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर हैं, लेकिन जो भी हो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन से तो उनका दर्जा कम है, आखिरी रसूल से तो उनका दर्जा कम है। यहाँ हज़रत इब्राहिम जैसे पैगंबर को चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन चक्कर पे चक्कर आने के बावजूद वो अपने होशो हवास में है, अक्ल ने सहारा नहीं छोड़ा, लेकिन जो तमाम उम्मत का रसूल है, जो शेखुल अंबिया है, जो सैयदुल औसिया है, उसे मामूली सा बुखार आ जाए और वही उम्मत मुस्लिमा उन पर हिजियान की तोहमतें लगा दें, ये कहाँ का हिसाब है, ये कहाँ का मवाजना है? तो यहाँ पर जो है हज़रत इब्राहिम ने ये कहकर फरिश्ते को वापस लौटा दिया। अब यहाँ से हज़रत इब्राहिम चले, वहाँ से अल्लाह ताला की आयत उतरना शुरू हुई, या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती बख्श हो जा। यहाँ पर ये आयत उतर रही है, अल्लाह ताला सबसे पहले, अल्लाह ताला ने आग को दो हुक्म दिए। क्या पहला हुक्म दिया? ए आग हज़रत इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। ठंडी हो गई आग, हज़रत इब्राहिम बच जाएंगे ना ठंडी हो गई आग? नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? इसलिए कि आग तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन हज़रत इब्राहिम जो कि रस्सियों में जकड़े हुए हैं, अगर उनकी रस्सी खोलने वाला कोई ना होगा,
आग ठंडी हो गई लेकिन आग मौजूद है, कोई आग के सामने नहीं आ सकता कि आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी हो रही है ना कि दूसरों के लिए। तो अब कोई हजरत इब्राहिम तक पहुंच नहीं सकता। अगर कोई पहुंच नहीं सकेगा शख्स, तो वो आग भले ही ठंडी हो जाए हजरत इब्राहिम के लिए, लेकिन हजरत इब्राहिम बगैर खाने के, बगैर पानी के रस्सियों में जकड़े हुए तो हलाक हो जाएंगे, फौत हो जाएंगे। तो खुदा बंदे आलम इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह का एक हर्फ भी इजाफी नहीं है कुरान करीम में। ये कुरान मौजजा है, इसमें एजाज है खुदा बंदे आलम। तो यहाँ पर खुदा बंदे आलम रस्सियों में जकड़े हुए हैं, पर खुदा बंदे आलम क्या फरमाता है, बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग हजरत इब्राहिम के लिए ठंडी भी हो जा और सलामती बख्श भी हो जा। बस इस आग का करना क्या हुआ, इस आग ने हजरत इब्राहिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इस आग ने हजरत इब्राहिम के लिबास को जो उन्होंने जेवतन कर रखा था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उन रस्सियों को जला दिया ताकि हजरत इब्राहिम उस आग से बाहर आ जाए। इससे आपने क्या नतीजा हासिल किया? नतीजा हमने ये अक्स किया कि जो नबी होता है, जो अल्लाह की हुज्जत होती है, वो महफूज रह जाती है, वो बच जाती है। दूसरा नतीजा क्या अक्स किया कि जो नबी से वाबस्ता होता है, हजरत इब्राहिम के लिबास को खुदा वंदे आलम ने महफूज कर दिया, जो हुसैन के गहवारे से अपने आप को वाबस्ता कर लेता है, अपने आप को मस कर लेता है, वो भी महफूज रह जाता है और खुदा वंदे आलम जो है उसके परों को लौटा देता है हजरत हुसैन के करम से। और तीसरा नतीजा क्या अक्स किया, तीसरा नतीजा ये अक्स किया कि लेकिन जो अल्लाह की हुज्जत से, जो अल्लाह के नबी से ज़बरदस्ती बांध दिया जाता है, जो अल्लाह के रसूल अकरम के पहलू में ज़बरदस्ती दफना लिया जाता है, उसके बचने की अल्लाह ताला कोई गारंटी नहीं देता है। एक सलावत भेजते हैं मोहम्मद दूसरे सवाल का जवाब। अगर खुदावंदे आलम अपने नबी करीम को इस अजीम आग से बचा सकता है, तो क्या अपनी आखिरी हुज्जत को, जिसके सुपुर्द उसने सबसे अजीम मकसद किया है, उसे इतनी तुलानी जिंदगी नहीं बख्श सकता? अल्लाह आला कुल शैन कदीर है, कादिर मुतलक है। वो अपनी हुज्जत को बचाना चाहे तो वो उसे महफूज करके रखेगा, चाहे कितनी ही तवील जिंदगी क्यों ना। तीसरा और आखिरी सवाल, तीसरा और आखिरी एतराज़ ये है कि अगर इमाम हैं तो गायब क्यों, गैबत में क्यों है, सामने क्यों नहीं आ? हमारा अकीदा तो मुसल्लम है, हम तो मानते हैं कि इमाम जो है हर साल हज में आते हैं, हज के तमाम मरासिम को बजा लाते हैं, इमाम हमारी अज़ा में शरीक होते हैं, हमें नहीं मालूम इस वक्त कहाँ इमाम बैठे हुए हों, किस बीबी के साथ में बैठे हुए हों, कहीं चप्पलों के दरमियान न बैठे हुए हों। तो इमाम तो हमारी अज़ादारी में शरीक होते हैं, इसलिए कि हकीकी वारिस अज़ा तो वक्त का इमाम है, उन्हीं को हम पुरसा देते हैं। आज उनकी ही जद्दा का पुरसा हमें उनके सपोर्ट करना है, उनको देना है, उनको पेश करना है। तो इमाम तो वारिस अज़ा है, हमारा अकीदा तो मुसल्लम, लेकिन इस एतराज़ का जवाब क्या दिया जाए? तो मैं आपके सामने पेश करूँ सूरह मसद की आयतें, सूरह मसद तब्बत यदा अबी लहब व तब, जो खुदा वंदे आलम ने अबू लहब और उसकी बीवी की मजम्मत में नाजिल फरमाया था। खुदा वंदे आलम ने जब इस सूरह को नाजिल फरमाया था तो इसकी तफसीर अहले सुन्नत की तफसीर का हवाला देते हुए, अबुल आला मौदूदी अहले सुन्नत के बड़े आलिम रहे हैं और उन्होंने जो है एक किताब तफसीर कुरान पर लिखी जिसका नाम रखा तफहीमुल कुरान। उसमें इस सूरह मसद की तफसीर में वो लिखते हैं कि अबू लहब और उसकी बीवी जमील, जो कि अबू जहल की बहन थी, ये जो है रसूल खुदा के जानी दुश्मन थे और हर वक्त रसूल खुदा के पीछे पड़े रहा करते थे, उनको हर तरीक़े से अजियत पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनके कत्ल के मंसूबे बनाया करते थे।
और ये दोनों जो है मियां बीवी रात की तारीकी में अपने घर से चले जाया करते थे, जंगलों में जाकर जो कांटेदार झाड़ियां इकट्ठा किया करते थे और आकर उसे रसूल के दरवाजे, घर के दरवाजे के सामने बिछा दिया करते थे, ताकि जब रसूल सुबह को अपने घर से बाहर निकले तो उनको अजियत पहुंचे, उनको वो कांटे चुभे और उनको अजियत पहुंचे। एक रोज जब अल्लाह ताला ने इनकी मजम्मत में इस सूरह को नाजिल फरमा दिया तो अबुल आला मौदूदी लिखते हैं, अहले सुन्नत के आलम है, लिखते हैं कि रसूलुल्लाह के दोस्त अबू बकर खलीफे अव्वल एक रोज रसूलुल्लाह के साथ तशरीफ फरमा थे और रसूल से कहने लगे, उन्हें मशवरा देने लगे रसूलुल्लाह को कि या रसूलुल्लाह आप जरा एहतियात किया कीजिए, आप घर से इतने ज्यादा ना निकला कीजिए, इसलिए कि उम्मे जमील और अबू लहब आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके कत्ल का मंसूबा बनाया करते हैं, जब से ये सूरह नाजिल हुआ है तब से तो वो और आग बबूला हो गए हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाया करते हैं, या रसूलुल्लाह घर से निहत्ते ना निकला कीजिए, कम किया करिए अपना आना जाना। यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि अचानक सामने से उम्मे जमील आती हुई नजर आई, जैसे ही उम्मे जमील नजर आई तो खौफ के मारे इनके पसीने छूटने लगे और ये तो इनके लिए मशहूर ही है, चाहे रसूल जैसा शख्स साथ में हो, चाहे गार में हो, चाहे रसूल साथ में बैठे हुए हो खुले में, इनके खौफ का आलम निराला हुआ करता था। तो खौफ के मारे इनके पसीने छूटने लगे, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह वो आ रही है। रसूलुल्लाह फरमाते कौन आ रही है? कहते या रसूलुल्लाह वही अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आ रही है और बड़े गुस्से में नजर आ रही है, या रसूलुल्लाह इसी तरफ बड़ी चली आ रही है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं आ रही है तो आने दो। तो कहते हैं या रसूलुल्लाह नुकसान पहुंचाएगी, या रसूलुल्लाह आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो रसूल ने एक जुमला कहा, फरमाते हैं जब मुझे देख सकेगी तब तो नुकसान पहुंचाएगी, जब मुझे देख ही ना सकेगी तो फिर कहाँ से नुकसान पहुंचाएगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ उम्मे जमील अबू बकर के सामने आकर खड़ी हो गई और सवाल करने लगी, कहाँ है तुम्हारा वो साहिब मोहम्मद जो कहता है कि हमारी मजम्मत में अल्लाह ताला ने जो है ये सूरह उतारा है, कहीं मुझे मिल जाए तो ये पत्थर जो मेरे हाथ में है उससे उसका सर फोड़ दूँ नऊज़ुबिल्लाह, और ये खंजर जो मेरे हाथ में उसके सीने में भूक दूँ। इस तरह से जो है आग बबूला होके बरसने लगी। अब यहाँ खामोशी से खलीफा अव्वल उसकी बातें सुनते रहे। जब अपने गुस्से को उसने ठंडा कर लिया, सब कुछ जो है सारी भड़ास दिल की निकाल ली और उसके बाद पलटने लगी, तो जब जाने लगी और कुछ दूर चली गई तो ये कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपने कहा था, इसको गोया आप नजर ही नहीं आ रहे थे, या रसूल्ला ऐसे कैसे हुआ? रसूल्ला फरमाते हैं जब अल्लाह ताला अपनी हुज्जत को महफूज रखना चाहता है तो उसे लोगों की नज़र से गायब कर देता है। आज वक्त के इमाम भी अल्लाह की आखिरी हुज्जत है, वक्त के इमाम की ज़िंदगी को ख़तरा है, वक्त के इमाम को लोगों की तरफ से खौफ है। ये एक सबब बताया गया है कि इमाम को गैबत में इसीलिए भेजा गया है कि हर तरफ से लोग जो है उनकी तलाश में लगे हुए हैं। जब से 11वें इमाम का निकाह हुआ था उस वक्त से हम देख रहे हैं कि अब्बासी खलफा जो है उनके पीछे पड़ गए, कितने जासूस इमाम के पीछे लगाए, हत्ता कि बताया जाता है कि जैसे फिरौन ने 30,000 बच्चों का उनकी माओ के रहमों से चीर कर उनका कत्ल कर दिया था, वो बहू उसी तरह से जो है अब्बासी खलीफा ने इमाम जमान के वक्त में जो है इस तरह से माओ के शिकम उनके रहमों को चीरा है, और जो भी उनकी औलाद अगर मर्द हुआ करती थी तो उस बच्चे को जो है कत्ल कर दिया जाता था। तो अल्लाह ताला ने इस खौफ के सबब आज भी जो है अगर आप देखेंगे तो ये जितनी सुपर पावर्स हैं ये इमाम की तलाश में लगी हुई हैं कि जानते हैं इनका इमाम जब तक सरपरस्त बाकी है, जब तक रहबर बाकी है, तो इनका जो है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये इमाम की बदौलत है कि आज हम महफूज हैं, इमाम की बदौलत है कि इस कोविड के रहते हुए भी मैंने तो नहीं सुना कि जहाँ पर अजादारी की गई हो, जहाँ पर फर्श अजा बिछाया गया हो और लोगों को मदऊ किया गया हो, वहाँ से कोई भी कोविड का केस निकला हो।
मैंने तो नहीं सुना अब तक, लेकिन ये इमाम हुसैन का करम है और ये अजादारी सैयद शहदा का करम है और ये वक्त के इमाम का करम है कि आज अजादारा में सैयद शहदा महफूज हैं। तो अगर अल्लाह ताला अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत में भेज दे तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि जब तक उसकी जान को खौफ है, जब तक उसकी जान को खतरा है, खुदावंद आलम अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत में रखेगा। लेकिन ये भी नहीं है कि हमको नज़र नहीं आते, हम पहचान नहीं पाते। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मोहम्मद बारे मोहम्मद फरमाते हैं कि बस से रू न हो ला यारिफू ना, वो उनको देखेंगे लेकिन वो उनकी मारफत नहीं रखते होंगे, वो उन्हें पहचान नहीं सकेंगे। और यही है इसलिए कि ज़ुहूर जब हो जाएगा, अल्लाह ताला उनके ज़ुहूर में ताजील फरमाए, उस वक्त हर एक जब उनको देखेगा तो कहने लगेगा हमने तो इन्हें पहले देखा था, लेकिन ये हमारी आंखों का पर्दा था, ये हमारी खुदी का पर्दा है। इस खुदी पर अगर हम एक मुट्ठी खाक डाल दें, ये जो अना है हमारे अंदर जो हायल हो रही है हमारे और हमारे इमाम के दरमियान, वरना ऐसा नहीं है कि इमाम सिर्फ उलमा को नज़र आते हैं, इमाम जो है मामूली खिदमत गुजारों को नज़र आते हैं, इमाम के ख़ास अफराद मखसूस असहाब में से खिदमत गुजार हुआ करते हैं, जो छोटे छोटे खादिम हुआ करते हैं, जो बाथरूम साफ़ करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने ये तौफीक इनायत फरमाई कि वक्त के इमाम के चेहरे पर नूर की ज़ियारत का शरफ़ उन्हें अता फरमाया। अज़ादारान मोहतरम, हम सोचते हैं कि हम इमाम को पुकारते हैं, इमाम कहाँ जवाब देते हैं, ये हमारे ईमान की कमी है। वरना अगर हमारा ईमान इतना पुख्ता होता तो आज इमाम ज़माना को हम देखकर पहचान चुके हों। एक वाक़या मैं रबते मसाए, जब सद्दाम का ज़माना था तो मैंने एक आलम के ज़माने मुबारक से सुना, आयतुल्लाह के बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम हैं, उन्होंने कहा जब सद्दाम का ज़माना था उस वक्त जैसे हम सब जानते हैं उसने मज़हब तशय्यो पर पाबंदी लगा रखी थी और जितने अहले बैत के चाहने वाले थे उन सब को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था और ज़ियारत इमाम हुसैन पर पाबंदी लगा रखी थी, किसी को इजाज़त नहीं थी, कोई इराकी को इजाज़त नहीं थी कि वो ज़ियारत सैयद शहदा पर जा सके। आखिरकार अपनी नस्ल बता रहा था कि मैं उसी बनू उमैया की नस्ल में से हूँ। तो जब उसने ये पाबंदी लगा रखी थी उस वक्त कुछ दिलेर अहले बैत अलैहिम सलाम के चाहने वालों ने ये इरादा किया, इसलिए कि अरबईन का जो ये सिस्टम जो शुरू किया गया था कि पैदल चल के जाना चाहिए ज़ियारत सैयद शहदा के लिए, वो कई बरसों पहले शुरू हो चुका था। तो ये शख्स कहते हैं, ये आलिम कहते हैं, उनके दोस्त थे, उनके दोस्त और उनके कुछ चंद और दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम जो है ऐसी
सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद उन्होंने ये फैसला किया कि हम तो ज़ियारत सैयद शहदा के लिए जाएंगे, हम ऐसे राहों को इख्तियार करेंगे जो कि जासूसों की नज़र में ना होंगे, हम बचते हुए किसी तरह से जाने की कोशिश तो करेंगे सर। और ये कहते हैं कि हम कुछ दोस्त जो हैं ऐसे रास्तों से जहाँ पर सद्दाम के जासूस नहीं तैनात किए गए थे, हम उन रास्तों को इख्तियार करते हुए कुछ जंगलों में से तवील रास्तों से जो है अपने रास्ते को तय करने लगे और हम अपने पीछे आने वालों के लिए अलामतें छोड़ने लगे। कहते हैं कि हम जो सिगरेट के पैकेट्स होते थे तो वो दरख्तों पर रख दिया करते थे कि इस तरह से इस रास्ते को तय करते हुए तुम आना, यहाँ पर ख़तरा नहीं है। कहते हैं कि कई मील का सफ़र हमने तय कर लिया था, हम अपने मंजिल के करीब थे लेकिन अचानक जासूसों ने हमें घेर लिया और हम सब के सब हिरासत में ले लिए गए। जब हिरासत में लिया गया तो उनकी तलाशी ली गई कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। और ये जो आलम के दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त अपनी जो आईडी अपने साथ में रखी थी वो मेरी अपनी आईडी नहीं थी, वो मेरे भाई की आईडी थी और वो मेरा भाई जिसे जो है पुलिस में उस वक्त जो है पुलिस में ज़बरदस्ती जो है कुछ वक्त के लिए नौकरी करना पड़ता था, तो मेरे भाई को जो है पुलिस में लिया गया था और वो वहाँ से अपनी नौकरी को छोड़ के भाग चुके थे। और जब कोई पुलिस में से भागता था तो फिर ऐसे शख्स के साथ उसे बदतरीन सज़ा दी जाती थी। कहते हैं कि मेरे पास अपनी आईडी नहीं थी, मेरे भाई का आई कार्ड था उसका। उन्होंने तलाशी ली, मुझसे बहुत सवालों जवाब किए, आखिरकार उन्हें कुछ महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ गलत है और ये शख्स जो है जो बता रहे हैं ये वो नहीं है बल्कि कोई और। कहते हैं मुझे और मेरे साथ दो तीन और मेरे दोस्तों को एक डिवीज़न फाइव में डाल दिया गया। वो कहते हैं कि डिवीज़न फाइव जो है उस वक्त में सबसे ज़्यादा जल्लाद सबसे बड़े सितमगर जो हुआ करते थे उस डिवीज़न फाइव में रखे जाते थे ताकि बदतरीन तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाए, उनको अजियत पहुँचाई जाए। देखिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे कुछ और दोस्तों को भी वहाँ रखा गया है और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमसे कोई सवालों जवाब नहीं, सीधे उन्होंने जो है बेतहाशा हमें कोड़े मारना शुरू किया और इतने कोड़े मारे ये लोग या महदी या अबा सालेह या साहिब जमान कहते हुए बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए और गश से अफाफा हुआ तो फिर दोबारा जो है उनके साथ वही सलूक होने लगा। कहते हैं कि जब हमारे साथ दोबारा दूसरी मर्तबा ये सलूक हो रहा था तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे वो अजियत नहीं महसूस हो रही थी, वो जो कोड़े मारे जा रहे थे मुझे उसकी अजियत नहीं महसूस हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारे अंदर जो जज्बात उभर रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, शायद ये उसका असर है कि हमें उन कोड़ों की अजियत महसूस नहीं हो रही, उसका दर्द उसकी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही। लेकिन ये कहते हैं कि जब मैंने अपने दूसरे दोस्तों से ये सवाल किया तो वो कहते थे कि हमें भी ऐसा ही लग रहा था मानो हमें कोई कोड़े नहीं मार रहा है बल्कि यूँ ही जो है कोई हरी शाख के साथ कोई हमारे ऊपर जो है इस तरह से हमको कोई जो है वाइब कर रहा है, कोई मस कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि बस यही होगा कि ये हम जो जोश और खरोश में आ गए हैं और जो हमारे जज्बात उभर के आ रहे हैं अपने दीन के लिए मरमटने के लिए, ये उसी का नतीजा। कहते हैं कि जब रात को सब सो गए तो आधी रात को अचानक उनके दरमियान जो उनका सबसे बुजुर्ग और मुत्तकी शख्स था जिसकी दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल थे अचानक ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोता हुआ गिरिया करता हुआ उठा और रोता जाता था और या अबा सालेह या साहिब ज़मान कहता चला जाता। इन लोगों ने उससे सवाल किया कि भाई आखिर क्या हुआ, क्या बात है, क्यों तुम इतने दहाड़े मार मार के रो रहे हो, ये आधी रात का वक्त है, ऐसा क्या हो गया। तो वो शख्स कहता है कि मैंने ख्वाब में अपने वक्त के इमाम को देखा
और मेरे बाप के इमाम आकर मुझसे कह रहे थे कि तुम लोग क्या समझते हो कि क्या तुम्हारा इमाम तुमसे गाफिल है, वो नहीं देख रहा कि उसके शियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन ये अल्लाह की मसलहत है, क्या तुम लोगों ने महसूस नहीं किया कि जब दूसरी मर्तबा और दीगर और मर्तबा तुम्हें कोड़े मारे जा रहे थे तो तुमको वो तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी? तो वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने ख्वाब में उनसे कहा या अब्बा साले हाँ ऐसा ही था, हम में से किसी को भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, हम में से किसी को भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। कहते हैं कि उस वक्त इमाम ने अपनी पुश्त मेरी तरफ की, एक मर्तबा अपने पैरहन को उठा के अपनी पुश्त को दिखाया, अपनी बरहना पुश्त को दिखाया। मैंने देखा कि जहां जहां हमें कोड़े मारे गए थे इमाम के पुश्त पर वहां पर निशानात मौजूद थे। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जब तुम पर कोई अजियत आई होती है तो सबसे पहले वो हम अपने ऊपर महसूस करते हैं। या बासाले, या साहिब जमान, अपने इन गुनहगार चाहने वालों के लिए आप इतना ज्यादा उनकी खबरगीरी करते हैं, आप उनके जालिम के लिए इतना तड़पते हैं कि जब उनको अजियत पहुंचाई जा रही होती है तो आप अपनी पुश्त उनके सामने रख देते हैं। कर्बला इमाम के दो यतीमों को खास याद किया जाता है, एक इमाम सज्जाद इमाम के 24 साल यतीम और एक बीबी सकीना इमाम की 3.5 साल की यतीम। जब जब इमाम सज्जाद कूफा और शाम के बाजारों से गुजारे जा रहे थे तो इमाम जो है जिंदा नहीं रहना चाहते थे। और मैं दलील दूँ इसकी आपको कि जब भी इमाम को बाजारों से गुजारा जा रहा था तो इमाम कई मरतबा आसमानों की जाने अपने चेहरे को करके कहते हैं मेरी अम्मा काश आपने मुझे पैदा न किया होता तो आज मैं अपनी माँ और बहनों और फूफियों के तशहीर होते हुए न देखता। और एक इमाम की लाडली थी जो जिंदा रहना चाहती थी, जब भी शाम के कैदखाने परिंदों को देखा करती थी ना तो अपनी फूफी से सवाल किया करती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? और जब जनाब ज़ैनब फरमाती थी ए मेरे लाल ये अपने अपने आशियानों को अपने अपने घरों को जा रहे हैं तो बीबी तड़प के कहती थी फूफी अम्मा हम अपने वतन मदीने कब जाएंगे? जो मरना चाहता था 35 साल अपने बाप पे रोने के लिए जिंदा रह गया, जो जीना चाहती थी वो हमेशा के लिए उस खराबे में असीर हो गई। ये सबसे छोटी बतूल थी, 3 बतूलें
जो अपनी उम्र से पहले बूढ़ी हो गए, जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो गए, एक 18 साल की बतूल जिसको उम्मते मुसलमान ने, जिसे उम्मते रसूल ने 18 साल की कमसिनी में बूढ़ा कर दिया, उसकी कमर झुक गई, एक 7 साल की बतूल जिसे अपने भाई अली अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया, और एक 3.5 साल की बतूल जिसे अपने बाबा की फुरकत ने बूढ़ा कर दिया। आज़ादारा मोहतरम, बच्ची अपने बाप को बहुत याद करके रोती थी। जब कैद खाने शाम में सबको असीर कर दिया गया है, बच्ची को नींद नहीं आती थी, लेकिन जिस बच्ची ने अपने बाप का कटा हुआ सर देखा हो, जिस बच्ची ने अपने बाप का जख्मों से छलनी बदन देखा हो, उस बच्ची को नींद आती थी। लेकिन पता नहीं अल्लाह का क्या करना था, एक रात इस बच्ची को नींद आ गई। जब बच्ची को नींद आ गई तो आधी रात में अचानक बच्ची की आंख खुली। बच्ची कहने लगी, फूफी अम्मा आई ना भी, ए फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा आए थे, मुझसे कह रहे थे सकीना मेरे पास आ जाओ सकीना, तुम्हारे बगैर तुम्हारे बाबा का दिल नहीं लगता सकीना, सकीना मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सकीना। अरे अजब कोहराम कैद खाने में बर्पा हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे यजीद का कैद खाना हुसैन के अजा खाने में तब्दील हो गया। अचानक यजीद की नींद में खलल पड़ा, पूछा क्या बात है, आने वाले ने बताया कि बच्ची अपने बाप को याद करके रोती, कहती है किसे, उसका बाप कौन है, कहा हुसैन इब्ने अली, कैसा है जाओ उस कटे हुए सर को एक दश्त में ले जाओ, उस बच्ची को दे दो, यहाँ दश्त में सर रख के कपड़ा ढाल के इस सर को जिंदान में लाया गया। जैसे ही बच्ची ने उस सर को आते हुए देखा ना, कहने लगी नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेरी प्यास बुझ चुकी है, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बाबा से मिलवा दो। एक मर्तबा सर को करीब लाया गया, बच्ची ने उस लिबास को हटाया, उस कपड़े को हटाया, सामने बाबा के कटे हुए सर को देखा, जो बच्ची अपने बाप को याद करके दिनों रात रोती रही, अचानक बाबा के सर को देखी तो मर न जाए। बच्ची ने उस सर को बोसे देना शुरू किया, एक मर्तबा अपने सीने से लगाया, अजब जुमला कहा, बाबा अपना अपना मुकद्दर है बाबा, कल मैं आपके सीने पर सोया करती थी, आज आप मेरे सीने पर। जज़ाकुम अल्लाह खैरा, खुदा अपने आलम को गम न दे सिवाय हमें। मर्तबा बच्ची ने बाप के चेहरे को देख कर कुछ जुमले अर्ज करना शुरू किया, फरियाद करना शुरू किया। बीबी ने 3 फरियाद किए हैं, बीबी कहने लगी, बाबा आपके इस हसीन से चेहरे पर, आपकी दाढ़ी को आपके खून से खजाब किसने किया बाबा। फिर सकीना फरियाद करती, बाबा इस छोटी सी उम्र में मुझ जैसी बच्ची को किसने यतीम किया। फिर आखिरी बार फरियाद किया, बाबा जो ईद के रोज आपने मुझे गोशवारे पहनाए थे बाबा, शिमरे लई ने उसको उतारे नहीं बाबा, बाबा मेरे कानों से खींच कर ले गया, मेरे काने कान जख्मी हो गए बाबा। कहती बाबा आपने मुझसे कहा था ना सकीना प्यास की शिकायत न करना सकी, बाबा मैं कई मीलों का सफर करके आई बाबा, मैंने शिकायत ना की, अरे शिमर मेरे रुखसार पर तमाचे मारता रहा, सकीना ने शिकायत ना की, अरे मेरे पुश्त पर कोड़े मारता रहा, तुर्रे मारता रहा, मैंने शिकायत नहीं की बाबा, बाबा मुझे ऊंट की नंगे
पुश्त पर रस्सी से कस के बांध दिया गया बाबा बाबा मेरे सामने का हिस्सा जख्मी हो गया बाबा मेरा कुर्ता मेरे जिस्म से चिपक गया बाबा सकीना ने शिकायत ना की मर्तबा उसे ने जब आंखें ना खोली बच्ची ने आखिरी मर्तबा कहा बाबा तुम्हें तुम्हारे लाल अली अकबर का वास्ता बाबा बाबा 3.5 साल के उम्र में आपने कोई बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो जिसकी कमर झुक गई है अचानक बच्ची खामोश हुई सैयद सज्जाद ने बच्ची को हाथों में उठाया एक जुमला कहते हैं जैसे ही मैंने उस लाश को देखा